नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, अभी सभी किसान भाइयों की फसल लगभग प्याज की उखड़ कर तैयार हो चुकी हैं और भंडार गृह के पास उन्होंने ढेर लगा दिए हैं। तो अब उनके मन में लगातार यही सवाल है कि प्याज का भंडारण करें या बेच दें, अभी क्या भाव चल रहा है, आगे जाकर क्या स्थिति बनने वाली है, आगे जाकर तेज़ी आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो किन कारणों से आएगी, कितनी आएगी, कब आएगी, ऐसे लगातार विचार आ रहे हैं और फसल कितनी लगी थी, उत्पादन कैसा आया है, ऐसे भी आंकड़े जानने की उत्सुकता उनके मन में लगातार हो रही है। तो इन सभी विषयों पर आज बात करेंगे और पूरा निष्कर्ष निकालेंगे कि आगे जाकर क्या माहौल होने वाला है, उसके पीछे क्या कारण है और आपको कैसे डिसीजन लेना है। वह सारी डिसीजन लेने में आपको मदद होगी, यह वीडियो आप पूरा देखें। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करें और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटे का बटन भी जरूर दबा दे, जिससे हम जो भी जानकारी के वीडियो डालेंगे बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, फसल का भाव किसी भी चीज का जो रकबा है वो या उत्पादन प्रभावित करता है, तो सबसे पहले शुरुआत हम वहीं से करेंगे। तो 2024 में प्याज का रकबे की अगर बात करें तो प्याज का रकबा कहीं ना कहीं कम हुआ है। उसके पीछे नर्सरी की कमी या जो धुंध या ओस गिरी थी उसकी वजह से प्याज में कटाव भी मान सकते हैं। काफी कुछ कारण है, किसान भाइयों को काफ़ी कुछ समस्या का सामना और खर्चा भी काफ़ी अधिक लगा है। बात करें मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश में लगभग 20-25% फसल कम जरूर हुई है। जिन किसान भाइयों का मन 8 बीघा लगाने का था उनकी 5 से 6 बीघा पर लगी है, जिनकी उत्सुकता 6 बीघा पर लगाने की थी उनकी 4 बीघा ही लगी है। तो इस प्रकार से हम लगभग 20-25% की कमी मध्य प्रदेश में भी मान सकते हैं। वहीं जो महाराष्ट्र जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्याज होता है, चाहे नासिक लगा लीजिए, पुणे लगा लीजिए, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा प्याज में कमी देखने को मिली और लगभग किसी किसी क्षेत्र में 25%, किसी क्षेत्र में 30%, तो कहीं कहीं पर 40% भी कमी महाराष्ट्र में जो है रकबे में देखी गई है। तो रकबा थोड़ा कम लगा था और वहीं पर अभी जो गर्मी है उसके कारण जो प्याज है उसमें भी पत्ती निकलने की समस्या आ रही है और जो क्वालिटी है पुणे के प्याज में जो हर साल पत्ती वाला प्याज आता है, डबल तिबल पत्ती वाला, वो अभी कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। जो फसल है उसमें अभी भी जो है नुकसान की पूर्ति देखने को मिल रही है। तो बात होगी रकबे की, अब बात करें उत्पादन की। तो उत्पादन जो है हर साल से थोड़ा ठीक रहा है देखने को। जहां पर हर वर्ष 80-85 क्विंटल प्याज बीघे का निकलता है, वहीं पर इस बार 100 के आसपास प्याज निकल रहा है। तो लगभग रकबा कम है पर उत्पादन ठीक ठाक निकल रहा है, उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं रकबे की पूर्ति उत्पादन के मामले में देखने को मिल रही है। तो उत्पादन ठीक ठाक है पर फिर भी जो रकबा कम हुआ है उसकी पूर्ति तो ये उत्पादन नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबका उत्पादन भी ठीक नहीं निकल रहा है। किसी किसान भाई ने मटर में लगाई थी या किसी ने लेट लगाई थी या किसी की नर्सरी लगाने के बाद खेत में उत्सुक हो गई, तो वो प्याज की पूर्ति, जो प्याज सघन नहीं हो पाया, पास पास में नहीं रह पाया, दूर रह गया था, तो उसकी उसको उत्पादन नहीं आया है। तो किन्हीं किसान भाइयों को उत्पादन सही आया है तो किन्हीं का कम आया है। तो इस प्रकार से ये उत्पादन है। अब बात करें मंडियों में आवक की, क्योंकि आवक ही भाव को डिसाइड करती है, मांग और पूर्ति का संतुलन ही भाव को जो है निर्धारित करता है। तो आवक की बात करें तो आवके भी सामान्य है। जहाँ पर लोकल मंडियों में मध्य प्रदेश में बात करें तो जो आवके आनी चाहिए, जैसे इंदौर मंडी है तो वहाँ पर 1 लाख कट्टे की क्षमता है, तो वहाँ पर अभी 50 से 60 कट्टे ही आ रहे हैं। जहाँ रतलाम मंडी की बात करें तो 500 वाहनों की वहाँ पर क्षमता है, जहाँ पर 300-350 वाहन आ रहे हैं। दिल्ली आज़ादपुर मंडी सेंटरों की बात करें तो सेंटर पर भी कम आवक हो रही है। आज़ादपुर मंडी की क्षमता रोज की जो है 100 से 125 गाड़ी वहाँ पर रेगुलर आती है, पर अभी 100 के अंदर अंदर गाड़ी आ रही है, 80-85 गाड़ी के लगभग रोज का वहाँ पर जो है एक आंकलन देखा गया है। जिसमें से माल कितना बिक रहा है उसकी बात करें तो 52-53 गाड़ी वहाँ पर रोज बिक रही है और ऐसी ही आवक रेगुलर होती रही है और ऐसे ही जो है वहाँ पर लगातार नई आवक आती है और पुरानी आवक बिक जाती है। आवकों का गणित, आवके भी सामान्य हो रही है। आवके कम क्यों है उसके पीछे की बात करें तो जहाँ पर लोकल मंडियाँ हैं, प्रोडक्शन मंडियाँ हैं, चाहे महाराष्ट्र ले लीजिए, पुणे में, नासिक में या मध्य प्रदेश में जो इंदौर क्षेत्र है, रतलाम क्षेत्र है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टोकिस्ट की लेवाली सक्रिय हैं और जो अच्छा माल है, बेस्ट माल है, वो या तो किसान ही रोक रहे हैं या अगर मंडी में किसान ला भी रहे हैं तो वहाँ पर स्टोकिस्ट लेवाली काफ़ी अच्छी है और वहीं पर ही जो स्टोक का माल है वो काफ़ी ज़्यादा खप रहा है। और स्टोक जैसा माल, जो मीडियम और गोल्टा माल या जो मीडियम से थोड़ा मोटा माल है, उसकी काफ़ी अच्छी लेवाली है और सारा माल स्टोक में ही जा रहा है। तो ये बात हो गई आवक की। अब बात करें भाव की, तो भाव सेंटर पर बात करें तो जो पुणे का बेस्ट माल है वो 20-21 रुपये
बिक रहा है, नासिक का माल भी 18 से 21 रुपये बिक रहा है, मध्य प्रदेश का माल 16 से 18 रुपये सेंटर पर बिक रहा है। वहीं प्रोडक्शन मंडियों की बात करें तो प्रोडक्शन मंडियों में जैसे इंदौर, रतलाम, मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर भाव जो हैं 12 रुपये से 16 रुपये तक अधिकतर बिक रहे हैं। कुछ अच्छे लोट आते हैं सुपर क्वालिटी के तो इक्का दुक्का लोट 17 साढ़े 17 रुपये तक बिक जाता है, पर वो पक्के बाजार नहीं है। अभी फिलहाल में 12 रुपये से 16 साढ़े 16 रुपये में अच्छे बेस्ट माल अधिकतर बिक रहे हैं। बाकी जो हल्की क्वालिटियाँ हैं वह 7-8 रुपये से लेकर 12 रुपये, जो जोड़ चोपड़ा है वह 4 रुपये से 8 रुपये अपनी क्वालिटी अनुसार बिक रहा है। तो ये पोजिशन हो गई जो है रकबे की, उत्पादन की, आवक की और भाव की। अब आगे क्या भाव रहने वाला है अगर उसकी बात करें तो ऐसी कोई भी विशेष तेजी अभी महीने डेढ़ महीने में देखने को नहीं मिल रही है, लगभग एक महीने तक तो नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी जो है सब दूर लोकल की फसलें निकली हुई हैं जहां पर माल जाता है, जैसे मध्य प्रदेश का माल पंजाब वगैरह में जाता है, राजस्थान का माल पंजाब जाता है और भी कई क्षेत्रों में जाता है। तो वहाँ पर भी जो है लोकल फसलें निकली हुई हैं, जैसे दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं तो वहाँ पर भी लोकल फसलें निकली हुई हैं, तो सब दूर अभी लोकल का माल चल रहा है। तो जो दूर की डिमांड है वो अभी नहीं है, सिर्फ अभी स्टॉकिस्ट की डिमांड है, और अगर सरकारी खरीदी चालू होती है तो उसकी भी थोड़ी डिमांड पर फर्क देखने को मिलेगा। बाकी विदेश में माल नहीं जा रहा है, निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ है, उसकी वजह से जो 300 से 400 ट्रक रोज के विदेश जाते हैं, जैसे कि 200 ट्रक बांग्लादेश, बाकी श्रीलंका, म्यांमार और अन्य देशों में, मलेशिया वगैरह में, दुबई में जाते हैं, तो वो इतनी तेज गति से नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि निर्यात पर प्रतिबंध है। तो उसकी वजह से निर्यात की डिमांड भी अभी नहीं है। जैसे ही अगर चुनाव समाप्त होता है और चुनाव के बाद में अगर सरकार निर्यात खोलती है तो विदेशी डिमांड भी निकल जाएगी, सरकारी खरीदी भी तेज हो जाएगी सूखा माल आने के कारण, सरकार भी लगभग 5 लाख टन के आसपास जो है भंडारण करेगी तो वो भी लेवाली होगी। उसके बाद स्टॉक में जो माल आ रहा है वो एकदम से नहीं निकलेगा, क्योंकि स्टॉक में जो भी माल डलता है लगभग 3 से 4 महीने के बाद ही स्टॉकिस्ट या किसान भाई निकालना स्टार्ट करते हैं, तो उसके कारण एकदम से नहीं निकलेगा। तो वहाँ पर अगर शॉर्टेज बनती है तो अभी एक महीने के बाद में 3 से 4 रुपये की तेजी आ सकती है, उसके अलावा कोई ऐसी लंबी तेजी अभी नहीं दिख रही है। हाँ, माल की अगर शॉर्टेज बनती है, माल अगर वास्तव में कम निकलता है, या फिर जो है डिमांड अच्छी जो है निकल जाती है, या फिर सरकारी खरीदी एकदम चालू हो जाती है, या निर्यात में अगर एकदम चालू हो जाता है, तो फिर हमें 5 से 6 रुपये की तेजी या भाव 22 से 25 तक जाने की संभावना लग रही है। तो इस प्रकार से है स्थिति। अगर आप प्याज का भंडारण, आप सुरक्षित जगह हैं या आपके पास जगह है भंडारण करने की, जाली वगैरह रखने की, तो आप एक सुरक्षित भंडारण करके 3 से 4 महीने अगर रोक सकते हो तो आप रोक सकते हो। बाकी अगर आप 1-2 महीने के लिए स्टॉक करना चाहते हो, फिर हड़बड़ाहट में सस्ता भाव अगर मिलता है और फिर बेचते हो, तो ऐसी गलती ना करें। अभी आप आधा माल निकाल दें और आधा माल रोक कर रखें, और अगर आपकी क्षमता है कि आप 4 से 5 महीने प्याज को रख सकते हो, सुरक्षित भंडारण कर सकते हो, आपकी प्याज भी अच्छी क्वालिटी का है, तो फिर आप उसे भंडारित कर सकते हो। तो ये जो है डिसीजन आप ले सकते हो, अगर आपके पास जगह अच्छी है, सुनिश्चित है कि आप उसे 3 से 4 महीने सुरक्षित रख सकते हो, तो आप उसका भंडारण करके एक अच्छा मुनाफा प्याज में अभी भी कमा सकते हो। तो इस प्रकार से थी पूरी रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको रकबा, उत्पादन, आवक, भाव और आगे की पूरी जानकारी दी है कि किस किस कारण से भाव जो है ऊपर जा सकते हैं या कब जा सकते हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट हमने दी है। तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट ज़रूर करें। इसके अलावा आपके कोई सुझाव या सवाल हो तो वह भी कमेंट में बता सकते हो, जिससे कि हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे, आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। बाकी और भी रिपोर्ट कोई अगर आती है, या निर्यात की खबर या सरकारी खरीदी की खबर आती है, तो हम आपको उसके वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। तो किसान साथियों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।